प्रतापगढ़ी विधानसभा के देवरांचल में आज समाजवादी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन डॉक्टर एच एन सिंह पटेल द्वारा किया गया, जिसमें हजारों महिला पुरुष व बच्चों का मुफ्त इलाज दवा दी गई। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर पिछड़े इलाके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर के साथ डॉक्टर एच एम पटेल ने केक काटा। समाजवादी पार्टी संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में विविध आयोजन किए हैं। मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु की कामना के लिए आज स्वास्थ्य शिविर लगाकर हजारों गरीब किसान मजदूर का इलाज किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर एच एन सिंह पटेल ने कहा कि नेताजी कहा करते हैं कि आप मेरा जन्मदिन मनाते हैं, मैं चाहता हूं कि पार्टी के गरीब कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी मनाया जाए। हमारे जन्मदिन का उत्साह तब और बढ़ेगा जब गरीब का भी जन्मदिन मनाया जाएगा। बता दें कि मुलायम सिंह का जन्म इटावा जिले के सिफई गांव में हुआ था। किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह के 5 भाई बहन हैं। पिता सुधर सिंह यादव उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के बाद उन्होंने नत्थू सिंह के ही विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से राजनीति सफर शुरू किया था। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह कुछ दिनों तक इंटर कॉलेज में टीचिंग भी कर चुके हैं। कहा है कि मुलायम सिंह यादव का असली जन्मदिन गरीब मजदूर किसान का जन्मदिन मनाकर और उनकी सेवा कर ही किया जा सकता है। जैसा कि नेताजी चाहते थे, वैसा ही हमने यहां देवारा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित एरिया में गरीबों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टर एच एन सिंह सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार न्यूरोलॉजी सर्जन, डॉक्टर योगेंद्र यादव फिजिशियन, डॉक्टर ही एस सहानी बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनीष कुमार यादव बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीतीश यादव मनोचिकित्सक, डॉक्टर सैसो कुमार सिंह फिजिशियन एंड सर्जन, वीरेंद्र यादव ने यहां गरीब जनता का इलाज किया और जांच उपरांत फ्री में मुफ्त दवा वितरित की। आए हुए मरीजों का शुगर भी चेक किया गया। क्षेत्र में देवरा खास राजा हाजीपुर सहारनपुर मोहल्ला साहबदिया इस्माइलपुर रोशनगंज हैदराबाद रौनापार चांदपट्टी बाजार गोसाई बैलकुंठा लालघाट आजमतगढ़ सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए और स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट।